हम अभी दरमियान में थोड़ा सा उतरे ही सफर सफर किया। हम ये कर रहे हैं इस खूबसूरत शहर पर एक बीनर में बमबारी की गई थी, या इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ लोग ही हमारे कैमरामैन ने ही कम अज कम हम एक चीज को जानते हैं। जब हम छत छोड़कर शुरू करते हैं, लेकिन हमें मालूम था कि हमारा पहला मकसद ये था कि अगले 7 दिन के लिए घर बुलाने के लिए एक महफूज जगह तलाश करने के लिए शहर को तलाश करना था, जिसका आगाज इस काबिलियत को तलाश करने के साथ शुरू होता है। वायलट देखी, मैं इमारत के नीचे था। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया आर्डर करने के लिए है। ये बहुत ही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हूँ। यही वजह है कि हमने कुछ और तलाश कर रहे हैं। हमने इस इलाके में ठोकर खाई जो एक पनागा के लिए काम कर सकती है। मेरे खुदा, मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां हमने कैंप लगाया है। आप यहां पूरा शहर को देख सकते हैं, और हमारे पास दाएं से बचाने के लिए एक छत है। और अब जबकि हमने अपना होम बेस फैसला कर लिया था कि अगला मरहला खलना था, छतों पर हेलीकॉप्टर के जरिए छोड़ा जाने वाला सप्लाई क्रेट इस अजीम पर पाप करता है, ताकि हम गियर के कैंपर रेड्स बना सकें। इस क्रेट में तमाम बका के सामान की जरूरत होगी अगले 7 दिन के लिए, इस लिए हमें सामान को सीलिंग से नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बेहतरीन असेंबली लाइन है, बारिश का स्लीपिंग बैग। मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था, मैंने जिक्र किया है कि मी और चांदलर फरिश पर सोने के लिए कुछ तलाश करते ही मामलात 100 साल पहले की तरह ही दुरुस्तगी के साथ जहां क्वार्टर में दूसरी मंजिल पर आपको लगता है कि आपको सिर्फ इतना ही पकड़ना चाहे कि वो और टारिप्स आपको कीड़े से तबाह नहीं होते हैं। किसी को इनके गधे को बररेटो की तरह लपेटने के लिए ये था कि मला ने इसके इम्कानात को ले लिया, यह कुदरती हो जाता है। हम में से बाकी लोग लकड़ी पर सोने का फैसला करते हैं, और जाने वालों को मालूम होता है कि आप ज्यादा आरामदायक हैं। लेकिन आप खुद ही, मेरी पीठ पहले से ही इसकी बहुत सी इमारतें हैं जो हमने अभी इस शहर में तलाश करना है। कल पागल होने वाला है, हम सभा देखेंगे। हालांकि शहर में हमारा पहला दिन, जब आपको बहुत हमवार कुछ हुआ, जब आप इस रात के बाद हुआ, जब हम मार्चा में सो रहे थे और कैमरे के कुछ लोग कैमरे से ज्यादा दूर शीशा टूटने की आवाज पर बेदार हुए, इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम वाकई शहर के अंदर अकेले थे। मैंने सोचा कि मैंने कुछ देखा है, लेकिन अजीब खिलौनों के ऊपर ये पनागा बहुत तेज थी। सोने के लिए जाना पड़ा यूनिवर्सिटी एक बेहतर ननद, हमें नाश्ता करना पड़ेगा। ये एक नई पनागा तलाश करने के लिए तैयार हो गया है, और ये पहली बार है कि मैं ने नाश्ता किया है, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ और ऐसा नहीं करता। तमाम ख्याल रखी, जब से राफ कभी भी इतना पुरजोश नहीं था, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग इसके बारे में भूलने की कोशिश करता है। लिहाजा एक खिजायत से भरपूर नाश्ते के बाद हमने एक नया फिल्टर और गैर दरियाफत शुदा इमारत तलाश करने के लिए अपना काम छोड़ दिया। ये दरियाफत करें कि इन होटलों के लिए कैबिनेट बनाना एक हकीकी शहर है। यहाँ ताहम इमारतों को स्कैन करने पर हमने इसके गैर मुतवक्के अंदाजे पर ठोकर खाई। वहाँ एक बिल्ली है, और मैं आपके साथ ही जरूर उतारने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, हर मैक पेरा की तरह बका की जिबिलत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि हम इस बिल्ली को अदाकार बनने के लिए अदायगी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन बिल्लियों के साथ तस्वीर खेल रही है। हमें पनागा पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, क्योंकि ये आज रात मुंजमिद हो सकता है, और इसलिए हमने अपना सफर शुरू किया ताकि ये मालूम करने के लिए काफी पनागा हो कि ये किया है। ये पहले से ही है, इसमें सिर्फ इस कसम की तरह की जामिद है जो कि बदसूरत ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है। जामिद हम वो ऐसा ही करते हैं कि ये यकीनी तौर पर है, लेकिन मारक मिडल के अलावा हमारे पास दो ऑप्शन हैं। जानते हैं कि हमने इस ठंडी नजर आने वाली सुरंग की तलाश जारी नहीं रखी, पड़ोस का जायजा नहीं, या इसके साथ हमारी परवाज नयन के लिए तैयारी छोड़ दी है। वी जस्ट गॉट टू ऑफ इन दी मिडल लिटिल बिट 00 रियली आर वी डूइंग दिस वर्क ऑन टू दिस वाज ब्यूटीफुल सिटी वाज बॉम्बड इन ए बांडा व्हिच मींस दी ओनली पीपल हियर आर अस इन अ कैमरामैन लिस्ट दैट वी नो एथिंग एज वी स्टार्ट ऑफ बाय गिविंग अप द रूफ बट वी न्यू दैट आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सप्लोर दी सिटी एंड फाइंड ए सेफ प्लेस टू कॉल होम फॉर द नेक्स्ट 7 डेज व्हिच स्टार्ट्स विद एक्सप्लोरिंग दिस एबिलिटी वाया लेट सी आई वाज डाउन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग आई अस्यूम ऑर्डर दिस वर्ल्ड इज ए फॉर ऑल्दो टू फाइंड आउट This is very I feel like I'm in a zombie apocalypse. This is why all over there I little more exploring we stumbled across the area that might work for a shelter. My god, I think this is where we set up camp. You can't see the entire city over here, plus we have a roof to protect us from right
And now that we had a home base decided, the next step was to open up the supply crate left by the helicopter on the roof's pop over this crate so we can build camp reels of gear. This crate contains all the survival gear we'll need for the next 7 days so we don't have to carry stuff all the way down the stairs which is going to drop it off. We have a perfect assembly line. Rain and sleeping bag. I didn't I tell you about. But jokes aside, it was time to actually start surviving. Know who was fire duty will get a war on bed duty. Chris got started on making a fire with Mark. I'm personally a fan of the log cabin when it comes to fires. Eagle Scout that I mentioned that. Well, me and Chandler look for something to sleep on the floor. Matters are like 100 years ago. Out of accuracy, we're on the second floor in the quarter. That's all you think you should grab that day and tops you don't get destroyed by bugs. Someone to wrap their mattress like a burrito. It was Sailor took his chances with this gets natural. The rest of us decide to sleep on wood and goers know so that you're more comfortable but in your own. My back already here. There are so many buildings we have yet to explore in this city. Tomorrow going to be insane. We'll see in the morning. Even though our first day in the city went pretty smooth, something new did happen to occur later that night while we were sleeping. March and some of the camera guys woke up to the sound of breaking glass not far from the camp. What's it made us start to wonder if we were really alone inside the city. What was it? I thought I saw something, but on top of the freaky toys is this shelter was way too windy to sleep. Hard to go sleep. University a better sleep. We gotta go breakfast. It got prepared to find a new shelter and this is the first time I've had chili for breakfast, but I'm so hungry and kind of don't care all since the raft. Never ever been this excited over. Can't you? I think my brain tried to forget about that. So after a nutritious breakfast we took off our job to seek out a new filter and the unexplored building we have. Explore that building cabinets for those hotels. It is an actual city here. However, upon scanning the buildings we did stumble upon his unexpected guess. There's a cart and the I'm going to land the drone right beside the you. Oh, you know, every make era has like no survival instinct. I promise we're not paying this cart to be an actor as photos playing with these carts is. We need to focus on shelter because it can be freezing tonight and so we started our journey to find a sufficient shelter for the chose to clue what is this. This is already. It's just has this type of like a static to it that is a beautiful even though it's ugly zombie apocalypse static. Yeah, they are like do that. Why? So here back in the this used to look something like this and after decades of running from being abandoned this is why we left with it. There's a soccer field, this for car, that a soccer ball. I was died. I bet this soccer ball is older than me. That's for sure. But besides Mark Middle we have two options. No, we didn't keep exploring. Then this cool looking tunnel, go check out the neighborhood, or with that a flight we have left prep for an. हम अभी दरमियान में थोड़ा सा उतरे हैं, सफर सफर किया। हम ये कर रहे हैं इस खूबसूरत शहर पर एक बीनर में बमबारी की गई थी या इसका मतलब है कि हम सिर्फ लोग ही हमारे कैमरामैन में ही कम अज कम हम एक चीज को जानते हैं। जब हम छत छोड़कर शुरू करते हैं लेकिन हमें मालूम था कि हमारा पहला मकसद ये था कि अगले 7 दिन के लिए घर बुलाने के लिए एक महफूज जगह तलाश करने के लिए शहर को तलाश करना था जिसका आगाज इस काबिलियत को तलाश करने के साथ शुरू होता है। वायलट देखी मैं इमारत के नीचे था। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया आर्डर करने के लिए है। ये बहुत ही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हूँ। यही वजह है कि हमने कुछ और तलाश कर रहे हैं। हमने इस इलाके में ठोकर खाई जो एक पनागा के लिए काम कर सकती है। मेरे खुदा मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां हमने कैंप लगाया है। आप यहां पूरा शहर को देख सकते हैं और हमारे पास दाएं से बचाने के लिए एक छत है। और अब जबकि हमने अपना होम बेस फैसला कर लिया था कि अगला मरहला खलना था, छतों पर हेलीकॉप्टर के जरिए छोड़ा जाने वाला सप्लाई क्रेट इस अजीम पर पाप करता है ताकि हम गियर के कैंपर रेड्स बना सकें। इस क्रेट में तमाम बका के सामान की जरूरत होगी अगले 7 दिन के लिए। इस लिए हमें सामान को सीलिंग से नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बेहतरीन असेंबली लाइन है। बारिश का स्लीपिंग बैग, मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था। मैंने जिक्र किया है कि मैं और चंदलर फरिश पर सोने के लिए कुछ तलाश करते हैं। मामलात 100 साल पहले की तरह हैं। दुरुस्तगी के साथ जहां क्वार्टर में दूसरी मंजिल पर आपको लगता है कि आपको सिर्फ इतना ही पकड़ना चाहे कि वो और टारिप्स आपको कीड़े से तबाह नहीं होते हैं। किसी को इनके गधे को बररेटो की तरह लपेटने के लिए ये था कि मला ने इसके इम्कानात को ले लिया। यह कुदरती हो जाता है। हम में से बाकी लोग लकड़ी पर सोने का फैसला करते हैं और जाने वालों को मालूम होता है कि आप ज्यादा आरामदायक हैं। लेकिन आप खुद ही मेरी पीठ पहले से ही इसकी बहुत सी इमारतें हैं जो हमने अभी इस शहर में तलाश करना है। कल पागल होने वाला है। हम सभा देखेंगे। हालांकि शहर में
हमारा पहला दिन जब आपको बहुत हमवार कुछ हुआ जब आप इस रात के बाद हुआ जब हम मार्चा में सो रहे थे और कैमरे के कुछ लोग कैमरे से ज्यादा दूर शीशा टूटने की आवाज पर बेदार हुए। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम वाकई शहर के अंदर अकेले थे। मैंने सोचा कि मैंने कुछ देखा है, लेकिन अजीब खिलौनों के ऊपर ये पनागा बहुत तेज थी। सोने के लिए जाना पड़ा यूनिवर्सिटी एक बेहतर ननद हमें नाश्ता करना पड़ेगा। ये एक नई पनागा तलाश करने के लिए तैयार हो गया है और ये पहली बार है कि मैं ने नाश्ता किया है, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ और ऐसा नहीं करता। तमाम ख्याल रखी जब से राफ कभी भी इतना पुरजोश नहीं था। मुझे लगता है कि मेरा दिमाग इसके बारे में भूलने की कोशिश करता है, लिहाजा एक खजाइत से भरपूर नाश्ते के बाद हमने एक नया फिल्टर और खैर दरियाफत शुदा इमारत तलाश करने के लिए अपना काम छोड़ दिया। ये दरियाफत करें कि इन होटलों के लिए कैबिनेट बनाना एक हकीकी शहर है। यहां ताहम इमारतों को स्कैन करने पर हमने इसके गैर मुतवक्के अंदाजे पर ठोकर खाई। वहां एक बिल्ली है और मैं आपके साथ ही डरून उतारने जा रहा हूँ। आप जानते ही हर मैक पेरा की तरह बका की जिबिलत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि हम इस बिल्ली को अदाकार बनने के लिए अदायगी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन बिल्लियों के साथ तस्वीर खेल रही है। हमें पनागा पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, क्योंकि ये आज रात मुंजमिद हो सकता है, और इसलिए हमने अपना सफर शुरू किया ताकि ये मालूम करने के लिए काफी पनागाहों के लिए किया है। ये पहले से ही है, इसमें सिर्फ इस कसम की तरह की जामिद है जो कि बदसूरत ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है। जामिद हम वो ऐसा ही करते हैं कि ये यकीनी तौर पर है, लेकिन मारक मिडल के अलावा हमारे पास दो ऑप्शन हैं। जानते हैं कि हमने इस ठंडी नजर आने वाली सुरंग की तलाश जारी नहीं रखी।